अस्सलामुअलैकुम गाइस गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपी फोटोग्राफी एंड टेक्निक्स। गाइस आज का जो हमारा एक क्लास है उसमें हम सीखेंगे कि किसी भी लैपटॉप में अगर कीबोर्ड वर्किंग छोड़ जाता है तो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं या उसको उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो मसला ये होता है कीबोर्ड में लैपटॉप में कि शिफ्ट हम अगर 5-6 बार प्रेस करते हैं तो कीबोर्ड वर्किंग छोड़ जाता है। ये की है, ये देखें आप, ये आपका ऑप्शन आ गया। यस करेंगे तो आपकी कोई भी की काम नहीं करेगी, अगर नो करेंगे तो सही होगा। अगर आपको ये यस कर देते हैं आप गलती से तो आपको फिर से प्रेस करके आपको इसके यस करना पड़ेगा तो आपका सही हो जाएगा। 5 टाइम्स आपको शिफ्ट प्रेस करना है। अच्छा, अगर कोई और मसला है, टेक्निकल इशू है कोई, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा, यहाँ पर OSK या और ऑन स्क्रीन कीबोर्ड आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये डेस्कटॉप पर आपका कीबोर्ड ये शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप कोई भी की प्रेस कर सकते हैं आपका, ये देखें आप, ये आप यहाँ से कर्सर से आप सारा कुछ कर सकते हैं कीबोर्ड का। अच्छा, अगर आपको टेस्ट करना है कीबोर्ड टेस्ट करना है अगर आपको के चल रहा है नहीं चल रहा, तो आपको यहाँ पर एक वेबसाइट है ऑनलाइन कीबोर्ड टेस्ट में जब आप यहाँ पर यह पहली वेबसाइट ओपन करेंगे तो पहली वेबसाइट पर आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ से इंटरफेस नजर आएगा तो यहाँ पर आप कीज चेक करने के लिए यहाँ पर आप बटन प्रेस करेंगे तो हाईलाइट होते जाएंगे और आपके जो है ना ये कीज आपको बताएगा कौन सी सही है कौन सी गलत है। तो अगर आपका कोई टेक्निकल अदर इशू है, वर्क ही नहीं कर रहा कीबोर्ड सही है, तो आपको एक जो कीबोर्ड मार्केट से मिलता है वो ले आना पड़ेगा और आपको अपने यूएसबी जहां पर हम अपने तो आपको वहां से ये मतलब तो आपको मार्केट से एक कीबोर्ड ले आना पड़ेगा और यूएसबी पोर्टल में वो डाल के आपको वो चलाना पड़ेगा अगर कोई और टेक्निकल इशू है तो। अगर ये टेक्निकल इशूज हैं तो ये आप यहाँ से ही सेट कर सकते हैं। और अगर आप मार्केट से नहीं लेना चाह रहे तो यहाँ से ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जो मैंने बताया आपको वो आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। Basically